तो भाई साहब क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग तो मजे में होंगे, फुल मस्ती मजे कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप लोग अभी हम लोग जा रहे हैं गफ्फार मार्केट और अभी हम लोग खड़े हैं मेट्रो स्टेशन पे, सेक्टर 9-2 मेट्रो स्टेशन पे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग पसंद आएगा, पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती करेंगे इस वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ पूरा देखना, हम 5 लोग जा रहे हैं, देखते देखिए कौन कौन लोग जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी गफ्फार मार्केट जा रहे हैं और मेरे भाई को अपने वन प्लस की मोबाइल में स्क्रीन लगवानी है और हमारी कॉलेज ने जो लैपटॉप दिया है i3 प्रोसेसर उसकी बहुत स्लो है, जिस वजह से हमें SSD लेनी है। सो वहाँ पर सुनने में ये आया है कि बहुत कम में वहाँ पर मिल जाएंगे SSD। और हम लोग यहाँ पर अभी फर्स्ट स्टेप लिए हैं, Alpha 1 मेट्रो स्टॉप पर हैं, हमने टिकट ली और हम लोग मेट्रो के वेट कर रहे हैं और मेट्रो आएंगी फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। ओके, और ये 3 लोग भी जा रहे हैं साथ में। हाय, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ ईशान कुमार सिंह राजपूत। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मेघा सिंह। आपका नाम क्या? पांडे है ये, पांडे जी है। पांडे जी पांडे जी का बेटा हूँ मैं। सेक्टर 51 को छोड़ के सेक्टर 52 की तरफ रवाना हो चुके हैं। ऑटो की तलाश हुई लेकिन ऑटो मिला नहीं, तो फादर ही अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। ज़्यादा दूर मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा, 1 किलोमीटर पता नहीं, 1 किलोमीटर से ही बहुत कम होगा डिस्टेंस। तो आप लोगों को बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत कुछ दिखा सके। और चलो पूरा वीडियो देखो। हम लोग सेक्टर 52 के गेट के पास आ चुके हैं और शांतनु भैया बोल रहे हैं कि बहुत तेज चलो, तेज चलो, भागे चलो, भागे चलो। हम लोग भागे जा रहे हैं। शांतनु भैया बोल रहे हैं कि तेज भागो, तेज भागो, और ये खुद भी तेज भाग रहे हैं। देखिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, इनको पीछे वाले की कोई फिक्र नहीं, बिना फिक्र भागे जा रहे हैं। भागे तो इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही कर सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि क्या 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 कहाँ जाना है, क्या सब कुछ यहाँ लिखा होता है, तो आप देखिए और समझिए। तो हम लोग मेट्रो से उतर चुके हैं और कौल बाग में एंटर कर चुके हैं, पूरा सामान वामान पूरा रखा हुआ है सब। तो चलो देखो सारे इक्विपमेंट।
कौन सा जगह गफ्फार मार्केट आ चुके हैं यहाँ पे। ये तीन लोग चाय पी रहे थे और चाय का टेस्ट इतना बेहतर है कि मैंने लिया ही नहीं है। इन दोनों ने ऑफर किया मुझे, लेकिन आई रिजेक्ट प्लीज प्रपोजल। ओके, मार्केट में मोबाइल ही मोबाइल है, टैबलेट, आईफोन, आईपैड पूरा भरा पड़ा है इसके लिए। फ़ोन से तो पूरा मार्केट भरा पड़ा है। बहुत कम दाम में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, बहुत कम दाम में आपको आईपैड मिल जाएगा। पता नहीं कौन सा आईपैड था, एक मैंने पूछा जिसका दाम 6,000 रुपये बता रहा था, पता नहीं कौन सा था, बहुत लो मॉडल था वो। मैंने सोचा कि ले लेता हूँ, बाकी फिर सोचा कि नहीं भाई लेना मतलब सर का दर्द, मैंने छोड़ दिया। वापस मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना। आप यहाँ आए तो प्लीज़ इनका जो फूड है उसको जरूर ट्राई करें, बहुत बेहतर था, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, और मेरे साथ जो है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। जितना भी है ना सस्ता सामान के पीछे लोग मरे पड़े होते हैं भाई। 100 का 100 का 300 का 500 का 500 का 10 पूरे सारी शॉप आपकी 100 रुपये में। Thank you.
आपने वीडियो देखा, वीडियो देख देख के आपके मन में लालच आई होगी कि मैं 50,000 का फ़ोन 25,000 में ले लूं, 1,00,000 का टैब 10,000 में या 20,000 में या 30,000 में ले लूं, मतलब सस्ता हाफ प्राइस में ले लूं। तो मेरा आपको सलाह होगा कि ये सब चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर गलती से प्रोडक्ट ख़राब निकल गया तो उसका कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगर आप वो बोलते हैं कि 1 महीने का वारंटी आपको दूंगा, 2 महीने का वारंटी दूंगा, लेकिन मुझे इस सब पे ट्रस्ट नहीं है। मैंने आज तक इस सब चक्रों में मैं नहीं पड़ा। मुझे लेना हो तो मैं 2 महीना इंतजार कर सकता हूँ। आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 महीने के बाद लूँगा, लेकिन एप्पल स्टोर से आईफोन लूँगा, एप्पल स्टोर से मैकबुक लूँगा या आईपैड लूँगा, या कोई भी प्रोडक्ट सैमसंग का या वन प्लस का प्रोडक्ट स्टोर से लूँगा। मुझे इस सब पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। लोग बोलते हैं कि 500 कपड़ा आपको 200 मिल जाता है, 500 का मिल जाता है, मुझे इस सब पे बिल्कुल विश्वास नहीं। मैंने आज तक ये सब कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड कर सकता कि जाके आप इस जगह से फ़ोन ले लो या कपड़ा ले लो। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये सब चक्करों मैंने आज तक नहीं पड़ा है। तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस चक्करों में पड़ो, 50,000 का फ़ोन 25,000 में ले लो। अगर सामान आपको गलती से ख़राब निकल गया तो आपका 25,000 भी जाएगा। अदरवाइज आप 50,000 दोगे, 1 साल का वारंटी मिलेगा आपके फ़ोन पे, ट्रस्ट होगा कि भाई ये जो सामान है वो मेरा, ये जो मोबाइल है या ये जो आईपैड है या ये फ़ोन है, लैपटॉप भी है, कैमरा है, जो भी है, आप पूरा फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये जो ऑनलाइन से मैंने खरीदा है वो सही है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से जाकर खरीदो। आप जाके सामान एप्पल स्टोर से या स्टोर से, वन प्लस के स्टोर से या सैमसंग के स्टोर से खरीदो। मेरा तो आपको यही सलाह होगा। आगे आपकी मर्जी, आप चाहे तो खरीद सकते हो, ना चाहे तो नहीं खरीद सकते हो। मेरा सलाह होगा कि आप इस सब चक्रों में मत पड़ना। कपड़ा हो या फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो या कपड़ा हो, कुछ भी हो, जाके ओरिजिनल प्रोडक्ट लो, ट्रस्टेबल प्रोडक्ट लो। यही मेरा आपको सलाह होगा। तो ये कुछ वीडियो था, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना।